रथ यात्रा निकाली जा रही है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? देखिए, सावधान रथ यात्रा पूरे उत्तर प्रदेश में निकाली गई है और चार खंड में इस यात्रा को निकाला गया है। इस यात्रा के माध्यम से हम समस्त वंचित वर्गों को आगाह कर रहे हैं, सावधान कर रहे हैं कि आज़ादी के 75 साल बीतने के बाद भी आज तक उन मुद्दों पर बात नहीं हो पा रही है जिन मुद्दों को वर्तमान में उठाने की आवश्यकता है। इसके साथ साथ हम उन पार्टियों से भी इस लोगों को सावधान कर रहे हैं जिन पार्टियों ने विकास के नाम पर, रोजगार के नाम पर, नौकरी के नाम पर, सुरक्षा के नाम पर, रक्षा के नाम पर और प्रदेश के संपूर्ण विकास के नाम पर जनता का वोट लिया और जनता का वोट लेकर के वो सिर्फ अपने क्षेत्र और अपने तक विकास को सीमित रखा। ओम प्रकाश राजभर जी के नेतृत्व में जो सावधान रथ यात्रा निकल रही है, उनको बताया जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में अगर आप निःशुल्क शिक्षा चाहते हो तो सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के साथ गठबंधन के साथ रहिए। अगर आप चाहते हैं कि आपका इलाज निःशुल्क और फ्री में हो तो आप ओम प्रकाश राजभर के साथ रहिए। अगर आप चाहते हैं कि आपका बिजली बिल माफ हो, उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी समस्या है, जन जन की समस्या है जिसपे उत्तर प्रदेश सरकार और देश की सरकार का ध्यान नहीं जा रहा है। हम जनता को सावधान कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की वर्तमान सरकार से सावधान हो जाइए। ये झूठे वादे करके जो बिजली का बिल माफ करने का की बात हम लोग कर रहे हैं, ये पूंजीपतियों के कर्जे माफ कर रहे हैं लेकिन गरीबों के कर्जे को माफ नहीं कर पा रहे हैं। आप सावधान होकर के हम लोग का साथ दीजिए, संघर्ष किया जाएगा, आने वाले समयों में गरीबों का बिजली बिल माफ कराया जाएगा। उत्तर प्रदेश में हमने अभी भी संबोधित किया कि उत्तर प्रदेश से शराब को बंद कराया जाएगा। ये गरीबों के विकास का सबसे बड़ा बाधक अगर कोई है तो शराब है। पांडिचेरी और बिहार और गुजरात के तर्ज पर उत्तर प्रदेश में भी शराब को हम लोग बंद करा करके शराब उत्पादन में जो कैपिटल खर्च होता है उसका प्रयोग शिक्षा और स्वास्थ्य पर करने का हम प्रयास पूरा पूरा करेंगे। सर, ये जो सावधान रथ यात्रा निकल रही है, इसके माध्यम से लगभग आज आपने सभी प्रमुख दलों पर वार किए, तो क्या आने वाले जो आम लोकसभा के चुनाव हो 2024 में भारतीय सुहेलदेव समाज पार्टी अकेले रहेगी या फिर किसी दल के साथ चुनाव लड़ेगी? सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी उन समस्त वंचित वर्गों के साथ है। वर्तमान समय में जो वर्ग यह चाहता है कि ओम प्रकाश राजभर अपनी आवाज को बुलंद करें और हमारी बात, हमारी पीड़ा, हमारी समस्या और हमारी विचारधारा को सदन में उठाने का काम करें, हम स्वतंत्र हैं। अभी चुनाव लंबा समय है, अभी आगे नगर निकाय का चुनाव है। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी भागीदारी पार्टी पी के साथ मिल करके चुनाव लड़ेगी और अपने गठबंधन के साथ मिल करके चुनाव लड़ करके आगे बढ़ने का पूरा पूरा प्रयास। जैसे कि अपने भारत देश में इतनी चिटफंड कंपनियां थी, जैसे PSL इंडिया, सहारा और तमाम चिटफंड कंपनियां, क्या इन लोगों का पैसा है जो ग्राहकों का जमा है, क्या मिलेगा? अब ये देश के वित्त मंत्री बताएंगे क्योंकि माल मंत्री वही है, माल मंत्री हम लोग नहीं है, हम लोग संगठन मंत्री है। सर, आप जब मंत्री थे और आप सरकार में थे, प्रमुख सवाल यह है लोगों के लिए, आपने यहाँ पर शिक्षा, शराबबंदी और मूलभूत बिजली की समस्या कही और इन सारे मुद्दों के साथ आपका सरकार के साथ जो टकराव था वो सभी जनता जानती है कि आप भागीदारी और ये जो अनुसूचित जाति का दर्जा को लेकर शायद सरकार से मनमुटाव हुआ, तो अगर कुछ दिन और सरकार में रहते, जैसे चिराग पासवान जी कहा गया कि युवा होकर उन्होंने मोदी जी से गठबंधन किया और उन्हीं का नतीजा रहे कि सरकार में रहे, तो क्या आप सरकार में रहते तो कुछ ऐसी समस्याएं थी जो समाज को और मजबूत करते? जैसे आपने एक प्रमुख आज गिनाया कि विधायक रहते सबसे ज्यादा फंड हमने स्वास्थ्य पर दिया है गरीब लोगों को, तो क्या सरकार में होते तो और कुछ फायदा समाज के लिए कर सकते थे? देखिए, जिस सरकार में हम थे वो सरकार गरीबों के फायदे की बात ही नहीं सोचती है, वो सिर्फ पूंजीपतियों को का कैसे विकास होगा, पूंजीपति उनको गरीब दिखते हैं, उनका कर्जा कैसे माफ होगा और अधिक से अधिक बिजनेस कैसे डेवलप होगा, उन पूंजीपतियों का जो देश में रह करके देश को ही खोखला करने का प्रयास कर रहे हैं। माननीय ओम प्रकाश राजभर और हम स्वतः मिल करके इसी बात को कह रहे थे कि आप गरीबों को लेकर के सरकार बनाए हैं, गरीबों से आपने वादा किया था कि हम आपको सारी व्यवस्थाएं उपलब्ध कराने का काम करेंगे जिससे गरीबी समाप्त हो। आज देश में बेरोजगारी चरम पर है, 2 करोड़ नौकरी हर वर्ष देने का वादा था, लगभग 2014 से 2022 हो गया, अभी तक 1 करोड़ नौकरी, रिजल्ट भी आता है, परिणाम भी जो दिया जाता है मीडिया के माध्यम सुनने को आता है, अभी 50 लाख में भी पूरा नहीं हो पाया है। लोग गिनाते हैं कि 10 लाख दे दिया, 12 लाख दे दिया, मोदी जी ने तो कहा था कि हम तो 2 करोड़ देंगे, तो कहीं न कहीं उनके कथनी और करनी में अंतर था, इसलिए हम सभी लोगों ने मिल करके इस्तीफा दिया और ये बताया पूरे देश और प्रदेश के लोगों को कि ये लोग गरीब के लिए काम नहीं कर रहे हैं, ये पूंजीपतियों के लिए काम कर रहे हैं, इसलिए हमने इस्तीफा दे दिया और उनके साथ रहने से कोई विकास उकास नहीं होने वाला है। हम सदैव प्रयास कर रहे हैं, बार बार समझाने का प्रयास कर रहे हैं, उसी का नतीजा ये है आज का जो कार्यक्रम है। ये दबाव था एक भारतीय जनता पार्टी वर्तमान सरकार पर कि जब हम लोग पिछले एक तस्वीर वायरल हो रही थी हम लोगों की योगी जी के साथ मीटिंग का, आपने एक प्रश्न सही किया, अनुसूचित जनजाति का जो मामला है
वो 18 जातियां अनुसूचित जनजाति में अनुसूचित जनजाति की सूची में थी, जिनको संवैधानिक दर्जा 17 जातियों को मिल गया, हमारी कम्युनिटी राजभर को छोड़ दिया गया। हम उनसे मिले, मिलने के बाद यथाशीघ्र उन्होंने कार्रवाई करते हुए 8वीं विधानसभा का जो प्रस्ताव पास था उसको केंद्र सरकार को भेज दिया। इसके साथ साथ उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ी समस्या थी भू माफियाओं का। भू माफियाओं की आड़ में उत्तर प्रदेश के गरीबों का घर गिराया जा रहा था। इससे समय मुलाकात हुआ, रात को ही आदेश जारी हो गया, सभी जिलाधिकारियों को सभी तहसीलों पर आ गया कि उत्तर प्रदेश में जो भी गरीब जिस भी जमीन पर अपना घर बना लिया है 10 साल 15 साल से के 50 साल तक, अगर उसका घर गिर गया तो ऐसे अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई होगी। कहीं ना कहीं ये सावधान रथ यात्रा जो हम लोग निकाले, इसका दबाव पड़ा सरकार पर और सरकार के सामने जो दो प्रस्ताव ने रखे थे सरकार ने उसको स्वीकार किया। इस स्वीकारता को देखते हुए हम लोग ये प्रयास कर रहे हैं कि और ताकत इकट्ठा किया जाए, भारतीय जनता पार्टी वर्तमान सरकार पर दबाव बनाया जाए ताकि उत्तर प्रदेश से बेरोजगारी को समाप्त करने के लिए उत्तर प्रदेश में लघु और कुटीर उद्योग को स्थापित किया जाए ताकि बच्चों को रोजी रोजगार मिल सके।